कल मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, संज्ञा क्या होता है और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और उसकी वेदों की परिभाषा कौन कौन सी है, इसके बारे में मैंने थोड़ा समझाया था। आज हम क्या करेंगे, और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? जो प्रणाम कहते हो आप अंग्रेजी में, सर्वनाम। प्रणाम कहते हैं अंग्रेजी में। तो सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं सर्वनाम? अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर राम घर आया, राम ने खाना खाया, राम सो गया, राम उठ गया, राम स्कूल गया। तो ये अच्छा लग रहा है आपको जो मैं बोल रही हूँ, नहीं ना? क्योंकि देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बार बार राम का नाम ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर राम के बदले में अगर और एक कुछ शब्द लेंगी तो वो सही रहेगा ना। तो उसी शब्द को जो हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अभी देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा लिखूंगी मैं बोर्ड पर, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहां पर संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए राम घर आया, राम ने खाना खाया, राम सो गया। देखिए यहाँ पर तीन, मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है तो तीनों देखिए, राम घर आया, राम ने खाना खाया, राम सो गया। तो ये अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, ये अच्छा। दूसरा वह और वह सो गया। देखिए यहाँ पर राम घर आया, उसने खाना खाया और वह सो गया। देखिए यहाँ पर देखिए एक अर्थपूर्ण, एक अर्थ देने वाला है, क्या है, एक वाक्य मैंने लिखा है। तो ये अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखिए बार बार हम क्या करना चाहते हैं, संज्ञा के प्रयोग को रोकना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं उसको। संज्ञा के जो बार बार प्रयोग कर रहे हैं हम, जो क्या राम क्या है, संज्ञा शब्द है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। तो यही क्या है, सर्वनाम के सर्वनाम है। देखिए तो संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर तो उदाहरण लिखूंगी मैं नीचे, मेरा, तुम्हारा, उसने, जिसने, देखिए किसने भी आता है, हाँ, किसने तुम्हें मारा, तो एक भी क्या है, सर्वनाम से संबंधित शब्द है ये। अब देखिए
मेरा तुम्हारा उसने जिसने किसने कहा सभी क्या है ये सर्वनाम से संबंधित शब्द है ये। तो देखिए संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मेरा तुम्हारा उसने जिसने किसने हाँ सभी क्या है सर्वनाम से संबंधित शब्द है। तो अभी मैं क्या करूंगी सर्वनाम जैसे संज्ञा में भेद है संज्ञा में 5 भेद है वैसे ही सर्वनाम के कुछ भेद है उन भेदों को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के रूप लिखिए भेद लिखिए या प्रकार लिखिए तो सभी क्या है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन टाइप्स ऑफ सर्वनाम सभी एक ही है भेद रूप प्रकार कौन कौन से है वो पहला कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो चौथा कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम छठा कौन सा है तो निजवाचक सर्वनाम ये क्या है हाँ देखिए ये सभी क्या है सर्वनाम के भेद है कितने वो 6 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम तो लिखिए सभी है क्योंकि रफ नोट्स बनाइए। आज मैं क्या कर रही हूँ शाम को आपको नोट्स भेज रही हूँ आज शाम को जो हमारे साइंस जो ऐप है उसमें क्या करूंगी हिंदी वर्णमाला के बारे में आज नोट्स भेजूंगी कल क्या करूंगी आपको संज्ञा के बारे में नोट्स भेजूंगी ऐसे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूरा नोट्स आपको भेजूंगी लेकिन फिर भी आप क्या करो ये जो भी नोट्स भेज रही हूँ रफ बुक में बनाओ सर तो आपको आइडिया आएगा कि क्या क्या पढ़ाया है मैडम ने आज और जो होमवर्क देती हूँ जो उसके रिलेटेड होते हैं वो तो उसके लिए आपको चाहिए इसलिए क्या करो रफ बुक में नोट्स बनाओ सबने लिख लिया तो मैं रफ कर सकती हूँ ना तो हम क्या करेंगे अभी एक एक वेद को उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे हाँ वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे पहला कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम तो उसकी परिभाषा क्या है बोलने वाले सुनने वाले बोलने वाले सुनने वाले या किसी या जिसके बारे में बात हो रही है सोले बोलने वाले सुनने वाले तथा जिसके विषय में जिसकी तथा और जिसके विषय में बात हो रही है बात
होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले उनके लिए उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर बोलने वाले सुनने वाले या जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और जिसके विषय में जो बात करते हैं वो तीसरा व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पहले जानेंगे हम। तो उसका अर्थ अब तो पूरा आपको समझ में आएगा। तभी देखिए बोलने वाला कौन है, जो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से कुछ अपने अभिप्राय व्यक्त कर रहा है, अपने बारे में जो बोल रहा है, आज मुझे किसी ने मारा, आज मुझे महेश ने आज मुझे मारा। तो ये क्या है, अपना जो भी मन की बातें हैं दूसरे व्यक्ति के सामने वो व्यक्त कर रहा है, बोल रहा है। तो वो क्या है, वो वक्ता है, वो क्या है, उत्तम पुरुष है। हाँ, अपने बारे में जो बोलने वाला वो क्या है, उत्तम पुरुष है। लेकिन जो सुन रहा है, जो उत्तम पुरुष बोल रहा है उसके बारे में जो सुन रहा है, उसकी वाक्यों को सुन रहा है, तो वो क्या है, वो मध्यम पुरुष है। समझ में आ गया, जो बोल रहा है उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष, और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो क्या है, वो अन्य पुरुष है। हाँ, आज महेश ने मुझे मारा, तो बोलने वाला एक व्यक्ति है, जो सुन रहा है दूसरा व्यक्ति है। ये किसके बारे में बात कर रहे हो, महेश के बारे में बात कर रहे, वो अन्य पुरुष है वो। समझ में आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगी, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो अन्य पुरुष है उसके बारे में जो आपको परिभाषा है वो लिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो पूरा लिख लिया शायद, क्योंकि मैं नीचे लिखूंगी तो अब शायद आपको दिखेगा नहीं। तो अभी इसे मिटा कर क्या करूंगी, मैं उसके नीचे वहीं पर लिखूंगी। तो आप क्या करो, उसके नीचे ही लिखो आप, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, तो पहला कौन सा है, उत्तम पुरुष, तो क्या है उत्तम पुरुष है, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, इसे देखिए आगे लिख रही हूं मैं यहां पे। देखिए, मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, यहां पे देखिए इस सर्वनाम का प्रयोग, जब उत्तम पुरुष का सर्वनाम जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग कब करते हैं, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता का मतलब जो बोल रहा है, जो अपने बारे में बोल रहा है, अथवा लेखक अपने लिए जो करता है। इसे देखिए, मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, तो मुझे क्या है, ये उत्तम पुरुष है, अपने बारे में बोल रहा है, मुझे कुर्सी की मांग है, कुर्सी चाहिए मुझे, अपने बारे में बोल रहा है, क्या है, ये उत्तम पुरुष है। तुम्हारी जो सुन रहा है वो कौन है, वो मध्यम पुरुष है वो,
कुर्सी चाहिए तो कुर्सी क्या है, अन्य पुरुष है। समझ में आ गया? हाँ, जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है, जो बोले हुए जो वाक्य को सुन रहा है वो क्या है, मध्यम पुरुष। और जो तीसरे व्यक्ति में के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो तो क्या है, वो अन्य पुरुष है। समझ में आ गया? अभी देखिए इसके लिए कौन कौन से ये हो सकते हैं सर्वनामी शब्द, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, आदि। देखिए ये सभी जो सर्वनाम के शब्द है अपने लिए, जो बोल रहा है वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष प्रयोग करता है। देखिए मैं आज बाजार जा रहा हूँ, हम आज बाजार जा रहे हैं, तो अपने अपने को मिलाकर बात कर रहा है ना, वो अपने बारे में बोल रहा है। हमारा घर बहुत छोटा है, मुझे वह पेन चाहिए, मेरा नाम आदित्य है। तो क्या है, सभी अपने बारे में बोलने के लिए संबंधित क्या है, ये सर्वनाम के शब्द है। समझ में आ गया? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। वक्ता क्या करता है, अपने लिए करता है। ये क्या है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। दूसरा कौन सा है? तो मध्यम पुरुष सुनने वाले जो सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। इसे देखिए वक्ता कहते हैं, जो बोल रहा है उसे वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। उसे श्रोता कहा जाता है, श्रोता के लिए किया जाता है। देखिए जैसे वह कल नहीं खेला, सॉरी तुम उधर बैठो, तो क्या करा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है, तो पहले बोलने वाले व्यक्ति कौन है, यहां पर बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष है। लेकिन दूसरे व्यक्ति से कह रहा है तुम इधर बैठो, तुम क्या है, वो मध्यम पुरुष है। तो समझ में आ गया बच्चों? तो आरती से आरती को तुमसे कुछ काम है, मध्यम पुरुष है। आरती कौन है, जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो क्या है, वो अन्य पुरुष है। समझ में आ गया? उत्तम पुरुष कौन है,
मध्यम पुरुष कौन है और अन्य पुरुष कौन है। यहाँ पर देखिए मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ कि कौन कौन से शब्द ऐसे शब्द है जो मध्यम पुरुष के व्यक्ति के लिए किया जाता है।
उन्होंने उनका उनके आदि, हाँ ये क्या है अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करने वाले सर्वनाम के शब्द है। अभी देखिए उस इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह कल नहीं आएगा, उसने, वह, उस, उन्होंने, उनका, उनके आदि, इसलिए क्या है इसी के लिए प्रयोग करने वाले शब्द है। तो देखिए मैंने जो भी आज समझाया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बाद में क्लास होने के बाद आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने आज क्या पढ़ाया, सर्वनाम के बारे में पढ़ाया। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसकी उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के लिए कितने भेद हैं, सर्वनाम में 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा कौन सा है, द्विजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद हैं। तो उसमें मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आज जानकारी लिया। तो उसकी परिभाषा क्या है, बोलने वाले, सुनने वाले या तथा किसी अन्य विषय के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बोल रहे हैं उसके लिए जो प्रयोग करते हैं हम सर्वनाम के शब्द, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए मध्यम पुरुष कौन है, यहाँ पे बोलने वाला जो वक्ता कहता है, वक्ता लेखक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं जो बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को, अपने जो मन की बात समझा रहा है, अपने बारे में बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। और जो दूसरा जो सुन रहा है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो तीसरे व्यक्ति के बारे में हम जो दोनों बातें कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। अभी देखिए पूरा मैंने परिभाषाओं के साथ उदाहरण के साथ आपको लिखाया है, 2 दिन में आपको पूरा नोट्स आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो भी नोट्स बना रहे हो रफ्तू में बना हुआ अपने लिए जानकारी के लिए होना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ होमवर्क दे दी हूँ उसको करने के लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा नोट्स बना तो कल शाम तक शायद आपको पूरा नोट्स मिल जाएंगे। जो भी साइन इन ऐप है उसी के दौरान भी आपको नोट्स भेज रही हूँ। पूरा नोट्स क्या करना है, नए बुक में लिखना है, ग्रामर के लिए नया बुक बनाओ उसमें ही पूरा लिखो, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक्स बहुत है, 7 आए आपको इस बार, इसलिए उसके लिए अगर लॉन्ग बुक बना रहे हो तो 100 पेज का बनाओ, कट साइज का या किंग साइज का बना रहे हो तो 200 पेज का बनाओ। पर पूरा सिर्फ उसमें व्याकरण लिखना है। जो भी मैं आपको पार्ट का जो भी नोट्स लिखाऊंगी तो दूसरे जो भी हमारे साइंस का जो ये है नोटबुक से उसमें लिख सकते हो। हाँ तो देखिए पूरा मैंने सर्वनाम के बारे में आज पूरी जानकारी दे दिया। तो बच्चों आज का क्लास खत्म हुआ, कल मैं क्या करूँगी इसके बारे में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी पूछूंगी, परिभाषाएं पूछूंगी, पूरा पढ़कर आओ और उसके साथ और एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद, ओके बाय, टेक केयर।